आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट टू, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हम जनरली ये यूज करते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो कोई भी मैपिंग ए से बी तक, ए कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है, ए को हम कहेंगे डोमेन और बी को कहेंगे को डोमेन। डोमेन मीन्स प्रांत और बी को कहेंगे हम सह प्रांत। तो कोई भी मैपिंग ए से बी तक, बी पर ये फंक्शन कहलाएगी यदि ए के सभी एलिमेंट्स की बी में एक यूनिक इमेज हो। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इन बी। सेट ए, सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट ए के प्रत्येक अवयव की बी में सिर्फ एक यानी यूनिक इमेज हो तो जो मैपिंग एफ है वो हमारी कहलाएगी फंक्शन। तो एफ को एक फंक्शन है, उसके लिए क्या जरूरी है कि ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो बी में। अगर कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसकी इमेज बी में नहीं है तो ये एफ हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ए के सभी एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यहाँ पे ए की जगह एन एंड बी की जगह है एन। और फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो यहाँ पे ए भी एन है, बी भी एन है, तो इसको एक ए को तो हम कहते हैं डोमेन और बी को हम कहते हैं को डोमेन। तो यहाँ पर जो हमारा ये डोमेन है ये हो गया है ये एन और ये वाला एन हो गया को डोमेन। डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत और को डोमेन को हम कहते हैं सह प्रांत। तो ये तो प्रांत हो गया और ये सह प्रांत, डोमेन एंड को डोमेन। अब ये दोनों ही एन है, एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये तो एन के मेंबर्स हो गए, इसी तरह से इस एन के मेंबर्स भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो यदि हम एफ वन निकालना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 × 1, इसके अंदर इस एफ एक्स के अंदर एक्स जगह हम रख देंगे 1, तो एफ वन आ जाएगा 2 × 1, दैट इज 2। तो यानी इस 1 की जो इमेज है इस सेट में ही हो जाएगी 2, क्योंकि हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। इसी तरह से इस 2 की इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक्स इज 2 रख दो, तो एफ 2 आ जाएगा 2 × 2, दैट इज 4। तो इस 2 की इमेज ही आ जाएगी 4। इसी तरह से 3 की इमेज ही आ जाएगी 6 एंड 4 की इमेज आ जाएगी 8। 4 की इमेज आ जाएगी 8। तो ये हमारा एफ एक्स ये फंक्शन है विच इज इक्वल टू 2x। तो इस तरह से हमने इसकी मैपिंग करी। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके ये सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पर मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर डोमेन तो हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत। इसी तरह से को डोमेन भी हो गया हमारा एन है यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस इज एन। तो ये हो गया सह प्रांत। रेंज, रेंज का मतलब ये है कि जिस जो हमारी इमेज है उसका जो सेट होगा वो कहलाएगा रेंज। यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6 एंड 4 की इमेज है 8। तो 2, 4, 6, 8 ये हो जाएगी रेंज। तो रेंज यहाँ पर रेंज हो गई हमारी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और रेंज को हिंदी में बोलते हैं हम परिसर। नाउ अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी फंक्शन एफ एक्स फंक्शन को जनरली वो एफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन की पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो वैल्यू आ गई एफ ए। इससे हमने पहले भी करा था। तो एफ एक्स फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए पर यदि हम वैल्यू निकालें
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह ए रख दो, तो ये आ गया एफ ए, ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ थ्री एंड एफ माइनस टू। तो ये तो हमें एफ एक्स दे रखा है और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये एफ एक्स दे रखा है। अब हम एफ थ्री निकालना चाह रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह थ्री रख दो, तो हमने थ्री रख दिया, एक्स की जगह थ्री, इधर भी थ्री, इधर भी थ्री, तो ये गया थ्री क्यूब माइनस टू इंटू थ्री विच इज इक्वल टू 27 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 21। इसी तरह से अब हम एफ माइनस टू निकालना चाहते हैं, तो अगेन इस फंक्शन एफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह माइनस टू रख दो, तो ये रख दिया हमने माइनस टू का क्यूब, तो माइनस टू माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब हो जाएगा माइनस एट और ये हो जाएगा प्लस फोर, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस फोर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड एफ पाई बाई टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, एफ पाई बाई टू पर निकालना है, तो इस एफ एक्स पे जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह हम पाई बाई टू रख देंगे, तो साइन पाई बाई टू आ गया वन, तो एफ पाई बाई टू की वैल्यू हो गई वन। अब एक और क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। नाउ सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये तो अभी दे रखा है। अब हम एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह एक्स माइनस वाई रख देंगे, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ हम घातांकों के नियम लॉज ऑफ इंडिसेस लगाएंगे। लॉज ऑफ इंडिसेस होता है कि यदि x की पावर a इंटू x की पावर b हो तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये रिजल्ट आएगा x की पावर a प्लस b। इसी तरह से डिवाइड हो रखी है x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b। तो f x माइनस वाई हमने निकाला था e की पावर x माइनस वाई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, या हम लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन e की पावर y। और e की पावर x क्या था, एफ एक्स, ये हमें दे रखा था, हमें दे रखा था एफ एक्स इजिकल टू e की पावर x। अब यहाँ पर यदि हम x को y से रिप्लेस करें तो एफ वाई आ जाएगा e की पावर y। तो इस e की पावर x को हमने रखा एफ एक्स, तो e की पावर y को हम लिखेंगे एफ वाई, तो आ गया एफ एक्स अपॉन एफ वाई, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।